साहब, ये चोर दरवाजे से तुम्हारी एंट्री इंशाल्लाह ये कौम रोकेगी। ये ऊपर वालों के नीचे लग के क्यों चुपते हो? हमारा मुकाबला आपके ऊपर वालों से है, ऊपर वालों से, जहाँ से तुम डिक्टेशन लेते हो। डिक्टेशन मियां साहब जो खलाए मखलूक की बात करते हैं, वो जब मियां साहब की मदद करें तो वो खलाए मखलूक, और अगर ना करें तो खलाए मखलूक। चीफ जस्टिस वो काम कर रहे हैं जो लोग नहीं कर सकते, जिनको करना चाहिए था गवर्नमेंट। अगर आपने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया तो खुदा की कसम मैं सिंध को पंजाब बना दूंगा और लाहौर कराची बना दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एहतसाब होना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए, शफाफियत के साथ, जो काबिल कबूल हो और किसी नतीजे पर भी पहुंचे। वो वाला एहतसाब नहीं हो जो 90 की दहाई के अंदर नवाज शरीफ साहब सैफुररहमान के ज़रिए करते रहे, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत नवाज शरीफ का करती रही। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते थे और बुनियाद यही होती थी कि हुकूमत गिरानी है, कोई ऐसी करप्शन की कहानी निकालो जिसको जाके बेचा जा सके, हुकूमत गिराओ, उसके बाद वो केस फूंकाते चला जाता था। और फिर 2-2.5 साल के बाद एक हुकूमत गिरती थी, फिर दोबारा उस पार्टी नई वाली की हुकूमत आ जाती थी और उनके अपने अदवार में ही पीपल्स पार्टी के केस उनके अपने दौर में, नवाज शरीफ के केस उसके अपने दौर में ख़त्म हो जाते थे। जितने केसेस ग़ुलाम इसहाक खान, फारूक लगारी या दीगर अदवार में बने, इवन एक हमारे साथी प्रोग्राम भी करते रहे नजम सेठी साहब, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत से केसेस बनाए थे, उनका खात्मा नवाज शरीफ साहब को मालूम है कि उन्होंने कैसे करवाया था। ये तरीकाकार कभी भी पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे का सबब नहीं बन सका, बल्कि उसमें इजाफे का सबब बनता रहा, क्योंकि एक जवाज़ होता था कि ये हमारे ऊपर सारे सियासी बुनियादों के ऊपर मुकदमात हैं, हमने तो किए कुछ किया ही नहीं, हमसे बड़ा फरिश्ता पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो एवनफील्ड डिपार्टमेंट का केस है, उसकी तहकीक होनी चाहिए, जो इनके बेटों के ऊपर है कि इन्होंने पाकिस्तान से बाहर जो जायदाद बनाई वो पैसा कैसे बाहर गया, उसकी भी तहकीक होनी चाहिए। जो लोग दुबई में पैसा लेकर गए या 450 और लोग पनामा के अंदर हैं, उनका भी पता चलना चाहिए कि पैसा जायज़ राय से गया या चोरी करके गया। लेकिन एक आज नैब ने प्रेस रिलीज जारी की है, उसको पढ़ के बहुत अफसोस हुआ। वो खबर ये कहती है कि नवाज शरीफ के दौर में $4.9 बिलियन पाकिस्तान से इंडिया गए, उसकी तहकीकात का आगाज़ करें। कोई नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी इंडिया में, कोई मोदी को पैसा दे दिया था उसके रिजर्व बढ़ाने के लिए? खबर से यही तासुर मिल रहा है। तो बस चीज़ों की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ये एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी थी और वर्ल्ड बैंक की एक कमज़ोर रिपोर्ट थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कोई $15 अरब 3 साल से यहाँ से इंडिया चला गया। अब उसके ऊपर कोई ऐसी एविडेंस भी दस्तयाब नहीं थी जिसको इस्टेब्लिश किया जा सके कि ये रिमिटेंस की मद में ये पैसा गया। हालांकि एक और रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान से सालाना $10 अरब मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर निकल जाता है। अब ये जो इंडिया जाने वाला पैसा है, इसको नवाज शरीफ से मंसूब करना कुछ ऐसे ही है, अजीब व गरीब तरीका है, जिससे सवाए इसके कि आप दुश्मनी निकाल रहे हैं, कोई और वजह इसकी समझ नहीं आती, कोई लॉजिकल रीज़न समझ नहीं आती। दूसरा एक नैब एक केस हमारे सामने करप्शन का आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शुजात अजीम के मुतल्लिक कहा है कि इनका नाम ECL में डालें PIA के लॉसेज के हवाले से। शुजात अजीम जो है वो अब कारोबारी शराकतदारी भी रखते हैं रॉयल एयरपोर्ट सर्विस मनीर के साथ। तो PIA के अंदर बहुत से प्लेयर हैं, सारों को पकड़ें, सबकी तहकीकात करें, कौम को सच्चाई बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि ये जो वो एयरलाइन जिसने दुनिया की कई और एयरलाइनों को सिखाया कि काम कैसे करना है, अब 300 अरब का खसारा उठा रही है, तो क्यों उठा रही है, उसकी वजूहात भी होंगी, वो भी हमारे सामने आने चाहिए। एयर मार्शल असगर खान केस 96 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस केस को पकड़ें, क्योंकि उसके अंदर एक फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल असलम बेग और एक फॉर्मर DGISI जनरल असद दुरानी का नाम आता था। आखिरकार जस्टिस इफ्तखार ने उस केस के ऊपर एक फैसला लिया और फैसले के अंदर जो मुश्किल काम था वो हुकूमत के ज़िम्मे डाल दिया कि ये जो आर्मी चीफ है और ये DGISI है फॉर्मर, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। वो एक के ऊपर आर्टिकल 6 लगा के हुकूमत अभी तक आगे एक कदम नहीं आगे बढ़ा सकी कि वो जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ क्या करना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा कि एक हफ्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर आप कैबिनेट मीटिंग बुलवाइए और उसमें फ़ैसला करिए कि आर्टिकल 6 लगाना है या कुछ और करना है। सुप्रीम कोर्ट अगर हॉस्पिटल के अंदर सुओ मोटो ले सकती है, अगर वो जो 1100 पॉइंट के ऊपर KP में जो वेस्ट बगैर ट्रीट किए हुए दरियाओं और नहरों में फेंकी जा रही है, उसके ऊपर सुओ मोटो ले सकती है,
تو ان کے اوپر آرڈر براہ راست کیوں نہیں جاری کر سکتی؟ یہ مشکل کام ہے، تو یہ مشکل کام وہ ایک ناتواں حکومت کرے جس کے پاؤں ویسے ہی لڑکھڑا رہے ہیں، کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں تینوں موضوع ہیں جس کو آج کے پروگرام میں جس کے اوپر بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر صاحب، اس کے علاوہ لطیف کھوسا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور نہال ہاشمی صاحب پی ایم ایل این سے، وہ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسد عمر صاحب، پہلے تو یہ بتا دیں کہ یونیورسٹی منی لانڈر کر کے انڈیا پیسے بھیجتے رہے ہیں، یہ جو 4.9 بلین ڈالر، یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اس کی بنیاد بنی ہوئی ورلڈ بینک کی رپورٹ جس کے اندر ایک نمبر دیا گیا تھا، وہ نمبر بڑا چونکا دینے والا نمبر تھا، قابل فہم نہیں لگ رہا تھا نمبر، لیکن اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ فائنینس منسٹری کو فوری طور پہ ورلڈ بینک کو رابطہ کرنا چاہیے تھا، جو بھی معاملہ ہے اس کی تہ تک پہنچ کے عوام کو آگاہ کر دینا چاہیے تھا کہ جی اس کی بنیاد یہ رپورٹ یہ ہے۔ میں نے کچھ اسپیکولیشن سنی ہے کہ جی جو پاکستان سے اوریجنلی مائگریٹ کر کے انڈینز ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کی ریمیٹنس جو انڈیا میں جا رہی ہے اس میں شامل ہے، بٹ یہ اسپیکولیشن ہے۔ تو ابھی بھی وقت یہ ہے کہ نیب تو کر رہی ہے انکوائری، لیکن حکومت پاکستان کو اولین ذمہ داری لینی چاہیے، ورلڈ بینک سے بات کریں، کنٹری ہیڈ ڈیلانگو یہیں پہ بیٹھتے ہیں، ان کو بلائیں، ان سے بولیں کہ جی رپورٹ کی آپ ڈیٹیل شیئر کریں اور قوم کے سامنے رکھیں کہ کیا اس کے اوپر سٹیٹ بینک نے ایک وضاحتی بیان جاری کر کے جان چھڑوا لی تھی۔ طریقہ کار اس کا یہ تھا کہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ جو تھی 25-30 صفحوں کی جاری کرتے، اس وقت سٹیٹ بینک نے کہا کہ $1,16,000 اونلی، ناٹ $5 بلین، وہ پاکستان سے انڈیا جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی $1.5-2 لاکھ پاکستان آتے ہیں، دیٹ از آل، کوئی اس کے علاوہ کچھ ہے۔ لیکن وہ سٹیٹ بینک جو آپ کو ڈیٹا دے گا، سٹیٹ بینک تو ڈیٹا دے گا اس کا جو آفیشیل ریمیٹنسز ہوئی ہیں، جیسے آپ نے کہا یہ بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جو کہتی ہے کہ تقریباً $10 بلین کی منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے پاکستان سے، تو وہ منی لانڈرنگ تو سٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے اندر نظر نہیں آتے۔ اس میں سے منطق کی تو چیز یہ لگتی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ جو ہوگی وہ کیمن آئی لینڈ، برٹش ورجن آئی لینڈ، دبئی، لنڈن، سوئٹزرلینڈ جاتی ہوگی، انڈیا اتنا لوجیکل نہیں لگتا۔ میں جب تک میرے پاس صاحب نیب کا یہ کام نہیں تھا اس طرح کی اسپیکولیشن پھیلا کے آپ کسی کو اگر ملائن کریں، یہ اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ اور پرانا ایئرپورٹ، انہوں نے نواز شریف کو کہا یا صرف یہ کہا کہ ان کے دور میں، سر اس کے دور کا نام ڈالیں گے تو آج کل جو ماحول ہے اس سے میں بھی پوچھوں گا اور آپ بھی پوچھیں گے کہ نواز شریف $5,000 لے گئے، ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی سے ابھی کوئی بیان آ جائے، پتا چلے نواز شریف کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی، ابھی بھی مودی کا جو یار ہے آپ نعرے پہلے ہی لگاتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے منسٹری آف فائنانس کے پاس، 48 گھنٹے کی بات نہیں ہے، ورلڈ بینک سے بات کریں اور ڈیٹیلز ایشو کر دیں کہ جی کیا بنیاد تھی اس رپورٹ کی۔ یہ آپ نے اسلام آباد ایئرپورٹ نیا اور پرانا دونوں، بے نظیر بھی اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی، اس کے ارد گرد ہاؤسنگ سوسائٹیز دیکھی ہیں، 100-150 ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، لوٹ کے کھا گئی ہیں، ہر غریب آدمی پاکستان کا یہ جو پنڈی اسلام آباد کے ارد گرد بستا ہے انہوں نے لوٹا ہوا ہے۔ لاہور والی جو ہیں وہ لاہور کے اندر ایک آپ کی پارٹی کے ہیں، ایک نون لیگ، میں ان کا نام لیں تو وہ کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ پیش آ جائے گا، انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں، لوگوں کے پیسے دینے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہزاروں ایکڑ لی ہوئی ہے زمین، پکڑے نیب ان کو، ایک کو پکڑا ہوا ہے، باقیوں کو بھی پکڑے، ساروں کی تحقیقات کریں، میرے خیال پہ تحقیقات تو کریں۔ لیکن دیکھیں میں پھر وہی کہوں، آج ایک سیمینار بھی تھا، ایک آئی کیپ کی جو چارٹر اکاؤنٹس کی سوسائٹی ہے ان کا ایک سیمینار ہوتا کرپشن کے اوپر، اس میں نیب کی بات ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ سارے پاکستان کی کرپشن کا حل نیب کرے نا تو یہ نہیں ہونے والا۔ بھائی جو اولین جن کی ذمہ داری ہے حکومتی اداروں کی، میں آپ کو صرف جس طرح کیونکہ آپ نے مثال دی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اسلام آباد کے اندر، سی ڈی اے کے مطابق کوئی 73 انلیگل سوسائٹیز بنی ہیں، سی ڈی اے والے خود پیسے کھا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ویجیلنس کا ادارہ جو رات کو اپنے گھر میں کوئی کام بغیر اپروول کے کرانے کی کوشش کرے، بجری کا ٹرک آ کے کھڑا ہوگا نا تو وہ 2 بجے پہنچ جائیں گے ویجیلنس والے، پوری سوسائٹیاں کھڑی ہو گئیں اور سی ڈی اے سوتا رہ گیا۔ اس ظاہر ہے ملی بکت سے کرتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں سی ڈی اے والے بھی، جو پرائیویٹ انویسٹرز ہیں وہ بھی پیسہ بناتے ہیں، دن دہاڑے چوری ہوتی ہے اور پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان کو بھی اکاؤنٹیبل، ایف آئی اے، سی آئی اے، سی ڈی اے، یہ جو ادارے ان کو بھی اکاؤنٹیبل کرنا ہے، ہر چیز نیب پہ نہیں چھوڑنی۔ دیکھیے میں آپ کو ایک صحیح واقعہ بتانے لگا ہوں، پھر میں باقی مہمانوں کی طرف جاؤں گا کہ پاکستان میں سسٹم کیسے آپریٹ کرتے ہیں۔ بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سامنے ایک بہت بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے گلبرگ کے نام سے، اس کے اوپر بھی نیب کوئی کام کر رہی ہے، انہوں نے گلبرگ شاید دو اس کے حصے ہیں، مجھے ایگزیکٹ نام میں غلط نہ لے لوں، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے نیب کے لوگوں کو بھی پلاٹ دے دیے ہوئے تھے، اور جب یہ موجودہ جو جسٹس صاحب ہیں انہوں نے چارج سنبھالا ہے تو پتہ چلا کہ نیب کے تو بہت سے لوگوں کے پاس پلاٹ ہیں، تحقیقات ہوں گی تو کیسے ہوں گی، اور ان کو آفر کی گئی، یہ میں آن ایئر یہ چیز ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، کہ 2 کنال کا پلاٹ آپ کے نام کے اوپر بھی ہے، تحقیقات چھوڑیں، یہ 2 کنال کا پلاٹ لو، جسٹس جاوید اقبال صاحب چھڈو کیڑے کمے پہ گئے ہو، ہی ڈکلائنڈ دیٹ آفر، اور انہوں نے کہا نہیں تحقیقات ہوں گی جو سزا ہوگی، یہ اس کو شاباش دینی چاہیے اس بندے کو کہ اس نے 2 کنال کتنے کی، 2-4-5 کروڑ کی تو ہوگی مجھے پتہ نہیں، لیکن جتنے کی بھی ہوگی اس نے اس کو نہ کر کے رد کر کے اس آفر تحقیقات کو جاری رکھا۔ اس طریقے سے سی ڈی اے والوں کی بھی آنکھیں بند ہیں۔
बिल्कुल सही है जी। और एक मैं बताऊं, कायमा कमेटी की मीटिंग के अंदर हम सीडीए के चेयरमैन साहब को ग्रिल कर रहे थे कि जनाब आपके ये इतने बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं, सजा किसी को होती नहीं। उन्होंने कहा जी मैं क्या करूं, मेरे आधे सीडीए के अफसरान जो हैं उनकी इंक्वायरी हो रही है जो दूसरे आधे कर रहे हैं, और वो जो आधे हैं उनकी इंक्वायरी ये वाले आधे कर रहे हैं। यानी वो खुद कह रहे हैं बैठे हुए कि तकरीबन तमाम ही मेरा अमला जो है मुलव्वस है इस काम के अंदर, और उसके बावजूद कोई पूछने वाला नहीं होता। वो आते हैं, बातें होती हैं, ऑन रिकॉर्ड बातें होती हैं, और उसके बावजूद ना किसी को सजा होती है ना कुछ होता है। लतीफ खोसा साहब, आप फरमाइएगा, ये नवाज शरीफ के बहुत सारे कामों में उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल जायज है। जहां पाकिस्तान से बाहर पैसा गया, पाकिस्तान को एज प्राइम मिनिस्टर 90 की दहाई में उन्होंने 5 साल जो उनके एज वजीर आजम थे 1000 रुपए से कम इनकम टैक्स दिया, उसकी तहकीक होनी चाहिए। लेकिन ये वाला तरीका आप निकालेंगे कि मोदी का यार है, $5 अरब रिमिट कर दिया, तो ये अजीबोगरीब है। मैं इस चीज को तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रहा। देखें मलिक साहब, बदकिस्मती है कि जब से मोहतरम नवाज शरीफ साहब उफक सियासत पर आए हैं, उन्होंने ये सारा का सारा जो है एक सियासत को कारोबार बना दिया। और पहले तो इस अंदाज से वो उन्होंने ऑपरेट किया कि सारे इदारे ही सिर्फ उन्होंने नहीं अपनी जानिब किए हुए थे, बल्कि अदलिया भी हमेशा उन्हीं के हक में फैसले किया करती थी, और अगर कोई ये गुस्ताखी कर बैठता था उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस देने का, तो वो उस पर हमला करवा के और फिर 2 लक्स कर देते थे अदलिया को। और चमक की रीत जिस अंदाज से उन्होंने डाली, ये उनका एक खासा है और हमेशा रहा है। फिर वो इतने माहिर हो गए कि इलेक्टोरल प्रोसेस को उन्होंने एक जिस तरह से हाईजैक करके इक्तदार में आना, उनका ये भी एक खासियत शुरू हो गई। और 90 में आपने देखा कि उन्होंने एजेंसी से मिलकर पैसे लेकर उन्होंने एक पार्टी का रास्ता रोकने के लिए और अपनी हुकूमत को तसल्लत करने के लिए किया। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सारे इदारों पर कब्जा करने की काबिश की, और कामयाबी से उन्होंने जो है अपने सारे इदारों को पाकिस्तान के वो भी अपने जेर नगीं कर लिया। फिर उन्होंने बिजनेस मैग्नेट्स को जो है अपने साथ शराकत दारी में लेकर उनके जरिए से उन्होंने फिर आइंदा के इलेक्शंस के लिए भी पैसे मुख्तस करना शुरू कर दिए। तो ये उनका एक था, और उसके बाद उन्होंने अल्टीमेटली 13वीं और 14वीं तरमीम के बाद एक 15वीं तरमीम लेकर आए, जिसके जरिए उन्होंने अमीरुल मोमिनीन बनके अपने फरमान के ताबे करना था सारे आईन और कानून को, यानी आईन और कानून उनकी बांदी और लौंडी बन के रहती। तो मलिक साहब, आप पंबा कुजा कुजा ने हम अब अगर खुल रहे हैं इस वक्त, कम से कम एक आजाद अदलिया है, आप ये क्रेडिट दीजिएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि 18वीं तरमीम के जरिए, ये खुद मेरी बात सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान से हुई, उन्होंने कहा कि आपको ये इदराक नहीं है कि आप लतीफ खोसा साहब, नवाज शरीफ साहब को आज भी आप मौका दें तो उनकी ख्वाहिश यही होगी कि आप उनको अमीरुल मोमिनीन के तौर पर तस्लीम कर लें। जिस जज ने या नैब ने तस्लीम नहीं किया उन्हें अमीरुल मोमिनीन, वो तो दायरे इस्लाम से खारिज ही आप समझे। लेकिन मसला ये है कि वो एहतसाब का भी कोई तरीका कार होना चाहिए ना जी, जो काबिल कबूल हो, जो ग्लोबल लॉ स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर पूरा उतरता हो, वो ऐसा ना हो कि वो मुतनाजा हो जिसकी बाद में 6 महीने बाद वैल्यू ना रहे। देखिए, मुतनाजा तो ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब खुद ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पहली मर्तबा उनके या पंजाब के मामलात में 56 कंपनियों के जरिए जिस तरह से इनके प्रोजेक्ट्स बने हैं, जिस तरह से इन्होंने लूटा है, ये शहबाज शरीफ साहब को बहुत क्रेडिट देते हैं, ये 10 साल में जितनी इन्होंने लिए, आप देखेंगे जिस चीज को आप हाथ लगाएंगे उससे ताफुन आएगा। और फिर जब आप फवाद अहमद फवाद को बुलाते हैं और जब आप अहद चीमा को अंदर करते हैं, जरा उनकी आप देखिए तो सही, ये सारे जो है निकलेंगे और सारी कंपनियां 56 की 56, ये इनके पीछे ये खुद शरीफ बरादरान और उनके फर्जंदान हैं, मौजूद हैं। तो ये इन्होंने अच्छा, मैं इन कंपनियों की तरफ आपको दोबारा लेकर आता हूँ, निहाल हाशमी साहब को शामिल कर लें, क्योंकि अहद चीमा वाले केस पे मैं आपसे चाहूंगा खोसा साहब आप और कॉमेंट करें, पहले निहाल हाशमी साहब से पूछ लें। हाशमी साहब, एहतसाब 90 की दहाई में भी होता रहा, अब भी चल रहा है, काबिल कबूल नहीं होता, नतीजा खेज भी नहीं होता, जो असल मुजरिम है हमेशा बच जाता है, ताकतवर और ताकतवर हो जाता है, सारा कुछ लगता है कि ये तो कुछ किया ही नहीं था, ये असल फरिश्ता था, चोर वो था जिसने कर्जा दिया था, वो बैंक असल कसूरवार था, उसको पकड़ना चाहिए, जिसने टैक्स चुराया होता है सबसे इनोसेंट भी वही लगता है। क्या क्या तरीकाकार करें कि काबिल कबूल हो जाए, साफ शफाफ हो जाए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
بسد احترام کھوسا صاحب بڑے سینئر ہمارے لائر ہیں، ایک جانے مانے جورسٹ ہیں، انہوں نے جو بات کی امیر المومنین کے لحاظ سے، تو میں سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مومن ہونا تو ہماری شان ہے، ہماری میراث ہے کہ ہمیں کوئی مومن کہے، اور امیر المومنین کے لفظ کو مذاق کے طور پہ ہمیں نہیں لینا چاہیے، اور عام پاکستانیوں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ امیر المومنین کیا اور اس 15ویں ترمیم میں تھا کیا، ایک نواز شریف کے حوالے سے ایک نگیٹو بات کر کے اس کو خرابی کی طرف نہیں لے جانا چاہیے، بلکہ اس کی جو اچھی چیزیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ دنیا تاریخ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ اکاؤنٹیبل امیر المومنین ہوا کرتے تھے اسلام کے ابتدائی دور میں۔ اب رہ گیا دوسرا، جو آپ نے ابتدائی میں کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب بہت ماہر معیشت ہیں، وہ مارکیٹ کو سمجھتے ہیں، بینکنگ سسٹم کو سمجھتے ہیں۔ جو کھوسا صاحب نے کہا نظام کے بارے میں، تو دیکھیں چیخیں ان کی نکلی ان کی پارٹی شپ کے لیڈرشپ کی، جب ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا گیا چیخیں نکلی ان کی پارٹی کی، جب شرجیل انعام میمن کو گرفتار کیا گیا اس وقت بھی چیخیں نکل گئی، جب منظور احمد کاکا کو یہاں سے فرار کرا دیا گیا، یہ تو ماضی قریب کی بات ہے، ہمارے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ دوسرا، 6 بلین ڈالر، 12 بلین ڈالر، 20 بلین ڈالر، اس کا ذکر ہوتا رہا ہے، اور سپریم کورٹ نے اس پہ بہت تشویش کا اظہار کیا، اور جس کے وجہ سے انہوں نے پرائم منسٹر اس وقت کے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہا کہ آپ خط لکھیں سوئس بینک کو، اور وہ جو پیسے وہاں پہ پڑے وہ اس کو واپس لائیں۔ یہ تو ان کا ایک اسٹیبلش ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ محل آیا، ایون فیلڈ اگر ان کا ہے، کس کا ہے، کب آیا، یہ اپنی جگہ ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے، مگر کیا سڑے محل کو ہم بھول گئے؟ کیا ہم وہ 6 بلین یا 12 بلین ملین جو ڈالر تھا، جو اب جا کر کے بہت زیادہ کم کر دیں، واپس لانا، تھوڑا کم کر دیں، زیادہ پیسے ہو گئے۔ نیال ہاشمی صاحب، یہ تو ہے نا پیپلز پارٹی والے یوزر سسپیکٹس ہیں، یہ پکڑے جاتے ہیں کبھی سرے میں، کبھی کسی اور معاملے کے اندر، لیکن جب نواز شریف صاحب جسٹس قیوم کو فون کرنے کے باوجود اگر وہ خود کو کہیں کہ میں سب سے زیادہ احتساب کو مانتا ہوں اور اکاؤنٹیبل ہوں، اور ساتھ کہیں کہ یہ زرداری کو اور بینظیر کو 7 سال سے کم تو سزا ہونی نہیں چاہیے، اندر کر ہی دو انہیں، تو پھر اس کو آپ اپریشیٹ کریں گے یا کنڈیم کریں گے، مذمت کریں گے نواز شریف کی؟ دیکھیے، میں نے وہ ٹیپ سنا نہیں کہ نواز شریف صاحب نے خود کیا نہیں کیا، کس نے کیا، مگر یہ پوری دنیا نے اور تاریخ نے دیکھا، جب آزاد عدلیہ کی تحریک چل رہی تھی، جس پہ ان کی پارٹی قیادت نے کہا کہ قرآن اور حدیث کے صحیفے نہیں ہیں کہ ہم ان کو بحال کر دیں، تو آج جو آزاد عدلیہ ہے پاکستان میں، اس کی بنیاد رکھنے میں نواز شریف صاحب کا سب سے اہم کردار ہے، وہ آگے نکلے تھے، اور جب آزاد عدلیہ سر میں ایک بریک لے لوں ہاشمی صاحب گجرا والا سے پیچھے، لیکن ایک تاریخی حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے تب تک لاہور سے لانگ مارچ کے لیے نکلنے کا فیصلہ اور تاریخ طے نہیں کی جب تک شہباز شریف کی حکومت جو تھی پیپلز پارٹی نے گرا نہیں دی، تب تک وہ نہیں نکلے، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ ایک لے لیں بریک سے، واپس آتے ہیں تو دوبارہ اسٹارٹ کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پنجاب میں جو 55-56 کمپنیز بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی نیب تحقیقات کر رہی ہے، اور یقیناً تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس کچھ دستاویزات ہیں، اور اس میں کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ پی کے ایل آئی کے نام سے ہے، پنجاب یا پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ، اس کے دستاویزات دیکھ کے تو کافی دکھ ہوا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت نیکی کا کام ہے اور مجھے اس خبر کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے، میرے پاس اس کی کچھ تفصیلات تھیں اور میں گریز کرتا رہا بہت دن کہ مجھے اس کو رپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ 4-5 ارب روپے میں شوکت خانم کا ایک کینسر ہاسپٹل تعمیر ہو جاتا ہے، اس ہاسپٹل کے اوپر کوئی 20 ارب کی لاگت آ چکی ہے، جس کے اوپر چیف جسٹس نے سو موٹو لیا ہوا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کی تنخواہوں سے لے کر، ڈاکٹر تو چلو آپ نے کوئی امریکہ سے اسپیشلسٹ منگوائے ہیں، زیادہ آپ کو تنخواہیں دینی پڑے گی، جو نیچے تک کا عملہ ہے جہاں پر بہت سے رشتہ دار اور یار دوستوں کو کھپا لیا گیا ہے، اس کا منتھلی ویج بل اتنا زیادہ اوپر چلا گیا کہ اکنامیکلی نان وائبل پروجیکٹ وہ بن چکا ہے۔ جب تک پنجاب حکومت جیب سے ہر مہینے اس کے اندر پیسے نہیں ڈالے گی، وہ ہاسپٹل چل نہیں سکتا۔ اور اسی طرح سے صاف پانی پروجیکٹ ہے، اسی طرح سے دیگر منصوبے، صاف پانی کے اندر بھی ایک ان کے وزیر کے سگے بھائی جو ہیں ان کی تعیناتی کی گئی، اور بتایا یہی جاتا ہے کہ اس سے بہتر بندہ پوری دنیا میں تھا ہی کوئی نہیں، یہ اکیلا بندہ تھا جسے صاف پانی منصوبہ چل رہا ہے۔ تو یہ اسد عمر صاحب، اسی پاکستان کے اندر، اسی دور کے اندر یہ نیب بھی یہی موجود ہے، یہ سارا کچھ چل رہا تھا 4 سال سے، آنکھیں بند کر کے نیب بھی سوئی پڑی تھی، سارے ادارے بھی سوئے پڑے تھے، اب سب کو یاد آ گئی۔ اور پی کے ایل آئی کے ڈاکومنٹ دیکھیں گے تو آپ کو شوق ہوگا
अच्छा एक्चुअली मुझे फोर टाइम कॉस्ट के ऊपर, मुझे भी सुन के बड़ा अफसोस हो रहा है क्योंकि मेरे ख्याल में कि एक अच्छा इदारा बनाया गया था उसमें, तो एक कंपनी है जेड के भी जो इनके मेट्रो वेट्रो के प्रोजेक्ट के अंदर भी है, वो उनके पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर थे, सेम डे उनकी रेजिग्नेशन करवाई गई, सेम डे उसी तारीख के अंदर उनको 6 अरब की कंस्ट्रक्शन की कॉन्ट्रैक्ट दे दी गई। इससे ज्यादा मैंने ब्लेटेंट वायलेशन नहीं देखी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा ये आप जैसे मैं पहले बात कर रहा था ना, देखें हर चीज आपने नैब से नहीं हल करवानी, ठीक है, एक इदारा बैठ के सारा पाकिस्तान चोरी करता रहे और नैब सबके पीछे दौड़ता रहे। आपने जिम्मेदारी जो है ना, मतलब आपसे मतलब ये है कि जो पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान की जो मीडिया है, हमने फोकस उन पे भी डालना है कि भाई आप ये जो कर रहे थे और जो आपके एंटी करप्शन है, आपके FIA है, वो सब कहां थे? नैब तो ठीक है, नैब तो केसेस करेगी देखने के लिए। दूसरी चीज जो जरा सा मैं कमेंट करना चाहूंगा, वो ये जो पूरा एक तासुर दिया जा रहा है कि बड़ी कोई गैर शफाफ अकाउंटेबिलिटी एहतसाब का अमल शुरू हो गया है, और मिसालें किससे दी जाती हैं, वो डिक्टेटरों के जमाने से। तो दो बुनियादी इसके अंदर इदारे हैं जो शामिल हैं इस एहतसाब करने में, पहली आपकी अदलिया। इस प्रोग्राम के भी पहले सेगमेंट में उठा के देख लें, निहाल आशमी साहब बड़े फखर से इस बात का वो क्लेम कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ ने बड़ा किरदार अदा किया इस आजाद अदलिया के आने में। तो ये तो जनाब आजाद अदलिया है, इसके ऊपर कोई डिक्टेटर नहीं बैठा हुआ जिसने को PCO पे ओथ लिए हुए। वो और बात है कि जिस वक्त इफ्तिखार चौधरी PCO के, उस वक्त के PCO के ओथ लिए हुए जज को रिस्टोर कराया था, तो मियां साहब कहते थे मेरा बहुत बड़ा फखरिया कारनामा है, और अब वो कहते हैं PCO के बुत बैठे हैं वहां पे। इफ्तिखार साहब ने 3 साल दिए थे मुशर्रफ को आईन में तरमीम करने के लिए। तरमीम सिर्फ PCO नहीं किया था उन्होंने, वो किया था। दूसरा जो है वो नैब है। नैब के इस वक्त जो चेयरमैन लगे हुए हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपॉइंट किया है इनको, अपने अपॉइंट किए हुए नैब चेयरमैन उस आजाद अदलिया को, जिसको कहते हैं हमारा सेहरा है कि हमने इस आजाद अदलिया को बहाल किया, इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये गैर शफाफ और एक ऐसे एहतसाबी अमल के में काम कर रहे हैं जहां पे हकीकत तक पहुंचना नहीं है, कोई इंतकाम लेना मकसद है। उनके गलत कामों को क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में नैब के अंदर कैपेसिटी के इश्यूज काफी ज्यादा मौजूद हैं। भाई तो बोलो ना, लेकिन उन्हें काम करने देना चाहिए। जिस तरीके से आपने आज एक इशू रेज किया 4.9 बिलियन, और मैं आपको बोल रहा हूं कि हाँ, देखने से बादियों नजर में ऐसा लगता है कि ये शायद नंबर ठीक नहीं है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर, इसमें कोई गलती है। वो और बात है कि जैसे मैंने कहा, हुकूमत पाकिस्तान और फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी थी कि क्लियर करे जो काम ठीक नहीं हो रहा उस पर बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन यह कहना कि पूरा नैब, वही नैब ने केसेस तहरीक इंसाफ के लीडर्स पे भी खोले में, उसी नैब ने पीपल्स पार्टी के लीडर्स पे भी खोले में, उसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का 1 साल तक एहतसाब करते रहे, वही सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन के खिलाफ फैसला दे दिया। तो यह कहना कि सिर्फ कोई मियां साहब के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, उसका हकीकत से दूर दूर ताल्लुक नहीं है। खुसा साहब, नैब के अंदर कैपेसिटी के बहुत इश्यूज है। अभी इन्होंने रिसेंटली, मैं उन साहब का नाम नहीं लेता, इनके नैब पिंडी के हेड थे उनको रिमूव किया, फिर इसी तरीके से वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब थे उसको, ब्रिगेडियर को उसके अहदे से हटाया गया, उनके ऊपर बहुत सख्त किस्म की शिकायत थी। कैपेसिटी के इश्यूज की वजह से शायद ये खबर आज हम देख रहे हैं जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि $5 अरब नवाज शरीफ के दौर में इंडिया चले गए। लेकिन जो 56 कंपनीज हैं जिसका अभी आपने तस्करा किया, वह चीमा हर चीज़ के अंदर वो कहता है कि ये फवाद अहमद फवाद है। पंजाब हुकूमत की थी तो आपने जो चीफ मिनिस्टर और सूबे के अंदर मौजूद हैं तो वो सारा कुछ छोड़ दिया, सारा कुछ फवाद अहमद फवाद सेंटर में बैठ के चला रहा था। ये बात समझ नहीं आई मुझे। देखें ये एक चीज आप समझें कि मलिक साहब, अगर जब भी फैसला मोहतरम नवाज शरीफ साहब के कोई खिलाफ आता है तो ये जो है बोझ से भरे हुए बैठे हैं, और ये सियासी जो है मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, ये पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट है, और जब इनके हक में आता है तो फिर ये अदलिया, आज़ाद अदलिया की ये तारीफों के पुल बांधते हैं और फिर कहते हैं देखा इंसाफ हमारा हो गया। और अगर हमारे खिलाफ कोई फैसला हुआ था तो ये जंगल की बस्ती नहीं बनने देंगे, नीचे उतरो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, तो जाने क्या क्या कुछ किया, और यही टाई पहन के खुद ही चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त। अब डॉन लीक हुई है, अब जितनी ये जो है इंडिया के साथ जो जंदाल आया है, और जिस अंदाज से फिर इंडिया के साथ इन्होंने कारोबार मरासम शुरू कर रखे हैं, और मोदी का यार तो खैर हम कहते ही हैं, लेकिन ये हकीकत भी है कि किसी के ये आपने दिल की बात, असल में ये है कि आप कहते हैं जी देखें निजी आप किसी के मोदी नहीं आया, इनकी निजी एक खुशी की महफिल में तशरीफ लाए अपने एंटावरेज के साथ,
साड़ियां हमें कभी और किसी को नहीं पहुंची हैं, आमों की पेटियां और किसी को नहीं पहुंची हैं, ये तोहफे तहाइफ के जो है ये तबादले जो हिंदुस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के वजीर आजम के दरमियान हुए, ये किसी और के दौर में नहीं हुए कभी भी। तो और आप क्या कहेंगे, इस रिश्ते को क्या बोलेंगे? आपके कश्मीरियों का, निहत्ते कश्मीरियों का जिस अंदाज से खून वहां की होली खेली जा रही है, गुजरात में जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, क्या आप उसको जो है इस किस्म के नताइफ कर सकते हैं? और अभी गंगा कृष्णा जब ये खुलने वाला है आपका डैम, तो आप देखेंगे आपके बाकी दो दरिया, तीन तो पहले अयूब खान के जमाने में गए, दो और भी। लतीफ खोसा साहब आपको कहना चाहिए, लतीफ खोसा साहब आपको कहना चाहिए कि ये नवाज शरीफ साहब का गैर दानिशमंदाना फैसला था कि उन्होंने मोदी को अपने घर में लाहौर में अपनी निवासी की शादी में उनकी दावत दी, और इसी तरीके से जिंदल से मरी में जाके अपनी जाती रहायशगाह पे मिले, दोनों में इस्लामाबाद से मुलाकात करते तो हर्जना होता, ये उनका गैर दानिशमंदाना फेल कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें गद्दारे वतन ना डिक्लेयर करिए, ये हम बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। हमने गद्दारे वतन नहीं कहा, और ये निहाल हाशमी साहब की तरह हमने किसी के गिड़गिड़ा के माफिया भी नहीं मांगी, और हम अदालती जो है हमें सजाएं भी नहीं हुई हैं, हम किसी डिक्टेटर के आगे हाथ बांध के माफिया मांग के हम सरूर महल में भी नहीं गए हैं, और हमने किसी अदलिया के ऊपर हमले भी कभी नहीं करवाए, और ना हमने कभी कहा है मुझे क्यों निकाला, मुझे बचाओ। हमने सब कुछ फेस किया है, हमने सूली पे भी चढ़ गए, हम फांसियां भी ले गए, हमने अपने कायद कत्ल भी करवा लिए, 11.5 साल जेल में भी रहे, जबानें भी कटवाई, हम तो असूलों पर और कभी नहीं किए हैं, और हमारे हर केस जो है इन्होंने तमाम तर अपने जो है ताकत के बलबोते पर जजों को इन्होंने धमकियां देकर और इन्होंने जबरी फैसले लेकर हमारे खिलाफ हमें पाबा सलासल रखा, हमने फिर भी कोशिश की कि मिसाक जमहूरियत के जरिए इस मुल्क का आगे तसलसल जारी रखें और कोई शाइस्तगी की सियासत को लाएं, मगर जब तक मोहतरम नवाज शरीफ साहब का ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, पाकिस्तान धरती मां को लूट के खा गए हैं, और ये पहला दुनिया का वाहिद वजीर आजम होगा या साबका वजीर आजम होगा जिसके दोनों बेटे कहते हैं हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो अदालती मफरूर है, समदी इनके अदालती मफरूर है, और दन दना के ये रोज कहते हैं यहाँ अदालत के बाहर निकल के और जाने क्या क्या हर्जा गोई करते हैं, जो अदालतों को लताड़ते हैं। जो पहला सवाल आपने किया, देखिए अदालत उज़्मा के 4 फैसले इनके खिलाफ आए जिसमें इन्हें बददियानत और इन्हें जो है सादिक और अमीन से बाहर किया गया, और ता हयात इन पर पाबंदी, और उन फैसलों में लिखा गया कि इन्होंने अदारों को इतना मफलूज कर दिया है, मफलूक कर दिया है, इतना इन्होंने ताबे कर दिया है कि कोई इनके खिलाफ जो है काम करने को तैयार नहीं है, जिस वजह से JIT बनाई गई। देखिए इदारों को जब तक आप अपने जेर नगीं करके हुकूमती तसल्लत में और ताबेदारी में ले लेंगे और रियासती वो उनकी वफादारी नहीं रहेगी, उस वक्त तक कोई निजाम नहीं चल सकता, और यही बात कायदे निहाल साहब को साथ शामिल कर तकरीर करते हुए कही थी। निहाल हाशमी साहब, इन्होंने अभी डार साहब का जिक्र किया, तो डार साहब के मामले में आज कोर्ट ने उनकी सेनेट की रुकनियत ही मुअत्तल कर दी है, और दूसरी तरफ इन्होंने नवाज शरीफ के साहबजादों का जिक्र किया, तो क्या ये आपको बात मुनासिब लगती है कि एक शख्स जो कहे कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, उसके बच्चे पाकिस्तान की नेशनैलिटी लेना पसंद ना करें और उसकी पूरी जायदाद जो है वो पाकिस्तान से बाहर हो? जो बुनियादी तौर पे चीज़ है, असद भाई के साथ भी बसत एहतराम और खोसा साहब के साथ भी, सियासी मैदान में और डिलीवरेंस में जब आदमी नाकाम हो जाता है तो सहारा लेता है इस तरह के, बावजूद उसके कि नैब ने जो मामलात किया है वो मैं समझता हूँ नहायत ही गैर मुनासिब, एक घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया, होना ये चाहिए था कि जिम्मेदारी के साथ स्टेट बैंक से पूछा जाता कि जनाब ये ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं किया, जो अथॉरिटी है जो आपके मॉनेटरी सिस्टम के, और असद साहब ने इस बात में बात ठीक है, मैं उनसे इतफाक करता हूँ कि एक परसेप्शन डेवलप किया गया वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के, जो कि नाकिस रिपोर्ट है, जो कि माजी में भी इस तरह के, आज अगर इसके ऊपर प्रोग्राम किया जा रहा है, आज अगर इसको हेडलाइन बनाया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ के किरदार कशी की जाए, एक परसेप्शन डिक्लेयर किया जाए। आप जब तक ऑथेंटिक एविडेंस ना हो, जब तक आपके पास शवाहिद ना हो अदवार में, और आपने भी देखें दीगर लोगों का नाम लिया गया, आप दीगर लोग मैंने आपने उस रिपोर्ट में नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, तो इसके माने आप मेलाइन करना चाहते हैं इलेक्शन से पहले, ताकि लोगों के जहनों में एक चीज गर्दिश करे और एक परसेप्शन डेवलप किया जा सके। दूसरा जो अभी खोजा साहब ने कहा, मैं तो मुझे तो खौफ आ रहा है, हॉल उठ रहा है
कि जनाब कल रात को जो मैं मंजर देखा है मैंने कराची में, जो मंजर मैंने यूनिवर्सिटी रोड पे आप सबने देखा होगा कि इतना इनसे बर्दाश्त नहीं है कि एक दूसरे को खेमा नहीं लगाने दे रहे हैं और एक दूसरे के खेमे को गिरा रहे हैं और हवाई फायरिंग की जा रही है और फायरिंग की जा रही है और पथराव किया जा रहा है और गाड़ियों को आग लगाया जा रहा है और मोटरसाइकिलों को आग लगाया जा रहा है। क्या पैगाम दे रहे हैं? सबको पता चल गया कि आप इस मुल्क के साथ, इस शहर के साथ, इस लोगों के साथ तो कराची आए थे। आप बताइए कि कल आग लगाने वालों में पेश कौन था, पीपल्स पार्टी या पीटीआई? दोनों देखिए, दोनों ने अपने असल चेहरे को बेनकाब किया है। दोनों ने यह कहा है कि हम कब्जा ग्रुप के लोग हैं, हम हर चीज पे काबिज होना चाहते हैं, बजोरत बजोरे बाजू, और ये सियासी अमल को रोकने का एक पूरा तरीका था। और मैं ये समझता हूं ये एक पैगाम दिया जा रहा है, गलत तरीके का पैगाम दिया जा रहा है कि हम जबरदस्ती किसी की चीज को बुलडोज कर सकते हैं। तो ये तो मैं नहीं इल्जाम लगा रहा हूं, ना मैं कहना चाहता हूं, मैंने तो कम कहा है। जो आपके आपकी टेलीविजन सेट पे मैंने देखा, जो कुछ देखा वो तो नाकाबिले बयान है। तो मैं समझता हूं कि आज प्रोग्राम होना चाहिए था, खोसा साहब को इस बात के बारे में वजाहत करना चाहिए था और असद साहब को भी बताना चाहिए था कि असद उमर कराची जो ब्रेक करीब आ जाए, आप इसकी वजाहत करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं कराची के बारे में, कराची के बयान, हाशमी साहब दोबारा आता हूँ आपकी दरवाजे साहब, कराची की सूरत हाल भेजी कल में। बड़े सादा सा सवाल है आपके लिए, पीपल्स पार्टी कभी वहां पे कैंप लगा हुआ था? तरीके इंसाफ कभी कैंप लगा हुआ था? तरीके इंसाफ का कैंप जल चुका है, वहां पे मौजूद नहीं है, पीपल्स पार्टी का कैंप फिर भी मौजूद है। वहां पर बड़े वो एक पीछे से एक मेंबरशिप का जो है एक बहुत बड़ा सा बैनर बनाया हुआ था, पता नहीं कितने 50 फुट 35 फुट का बना हुआ था तहरीके इंसाफ का, वो जल के खत्म हो चुका है। पीपल्स पार्टी का वहीं पे कायम है जैसे वो थे, वो पहले भी कायम है। एक भी जख्मी आदमी पीपल्स पार्टी का नहीं है। मोटरसाइकिलें जली हैं तहरीके इंसाफ वालों की। ये अजीबो गरीब लड़ाई थी जिसके अंदर दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे थे, खेमा हमारा जल गया, बैनर हमारे जल गए, मोटरसाइकिल हमारी टूट गई। लेकिन सईद गनी जिसके ऊपर इल्जाम है, सईद गनी ऐसा बंदा नहीं है, वर्कर आदमी है ना, वो मारधाड़ करने वाला ना हमले करने वाला। सईद गनी साहब, मेरे भी उनके बारे में अच्छा तासुर है, लेकिन सईद गनी साहब वहां पे बदकिस्मती से मौजूद थे। लड़के जो आए थे पीपल्स पार्टी के वो लियारी से आए थे। SHO खुद एडमिट कर चुका है कि उनमें से कई बड़ी तादाद ऐसे लड़कों की थी जो ड्रंक थे, जो शराब के नशे के अंदर धोते उस वक्त कुछ तो गलती नजर आई होगी, जो बिलावल भुट्टो को भी एहसास हुआ और उन्होंने अच्छा फैसला किया, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि पीपल्स पार्टी के नीचे उनकी जो टीम है वो बहुत बड़ी गलती कर गई थी। सियासी तौर पे बेताशा नुकसान था पीपल्स पार्टी को ये बदमाशी करने का, इसलिए बिलावल ने कहा अच्छा जी हम अपना नहीं करते, तहरीक इंसाफ कर ले। एक अच्छा फैसला किया उसने, क्योंकि उसको नजर आ रहा था उसके नीचे टीम। आप उसी ग्राउंड में करने जा रहे हैं? हमने उससे पहले फैसला कर चुके थे जी कि हम लड़ाई झगड़ा कराची के अंदर दोबारा, कराची ने बड़े तशद्दुद देखा है जी, हम दोबारा नहीं देना चाहते कराची उस तरफ जाए, इसलिए हमारा जलसा जो है अब वो एक मुख्तलिफ मैदान है वहां पर हो रहा है, बहुत बड़ा कराची है, कोई जगह कोई लड़ने की बात ही कोई नहीं। फिर पहले सुलह सफाई कर लेते, तो यही तो हम बोल रहे हैं लड़ाई करने के बाद। यही तो मैं पूछ रहा था, आज मैं असेंबली में अपने पीपल्स पार्टी वालों से बोला था, वो कह रहे थे आपके पास परमिशन नहीं थी। मैंने कहा जी बिल्कुल आपके पास परमिशन होगी, आपके पास परमिशन गोलियां चलाने की थी, आग लगाने की थी, मोटरसाइकिल तोड़ने की थी, बंदों को मारने की थी, जलसा करने की थी ना, जलसा कर लेते। ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लतीफ खोसा साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। इसहाक डार साहब के ऊपर कोर्ट का फैसला है, क्या ये दुरुस्त फैसला है, मुनासिब फैसला है कि एक सेनेटर को सस्पेंड कर दे सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त? देखिए मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि एक जो अदालती मफरूर हो वो हमारे आईन और कानून के मुताबिक ही लूजेज हिज नॉर्मल राइट अंडर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात है कि अगर कोई शख्स जो है रियासत और कानून और आईन की ताबेदारी और वफादारी उस पर इनवायलेबल ऑब्लिगेशन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर वो इससे एतराज करता है, चाहे वो अपील भी उसकी खारिज होती है इसी बुनियाद पर, कोई वकालतनामा भी उसकी जानिब से नहीं दे सकता जब तक वो अदालत के सामने सरेंडर ना करे। तो कानून और आईन और अदालत के सामने और रियासत की जब तक ताबेदारी और वफादारी नहीं करेंगे आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सो ये फैसला पहले दिन से ही उसको जो है उसको इजाजत नहीं होनी चाहिए थी कि वो इसमें हिस्सा ले सके। और उनके निहाल हाशमी साहब आपका भी रद्देअमल डार साहब के फैसले के ऊपर बिल्कुल थोड़े से 2 मिनट रह गए जी। निहाल हाशमी साहब जी, मालिक साहब देखें, बहुत एहतराम बसत एहतराम खोसा साहब के लिए। खोसा साहब की पार्टी के
एक लीडर हैं जो वजीर कानून भी थे, सेनेट के चेयरमैन भी थे, जनाब रजा रब्बानी साहब का आज का बयान पढ़े। रजा रब्बानी साहब कहते हैं कि ये डोमेन सेनेट का है, ये डोमेन सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। अब ये फैसला कर लें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकता है। दूसरी बात, दूसरी, हाँ यही मैं यही कह रहा हूँ। दूसरी बात, काश के ये चीज़ अप्लाई किया जाता जब शर्जील इनाम मेमन साहब भी 1.5-2 साल तक मुल्क से फरार रहे हैं, मफरूर रहे हैं, और उनको भी फजिटिव डिक्लेयर किया गया था, तो इसहाक डार साहब का तो उस तरह के केस भी नहीं था। जिस वक्त वो गए थे उस वक्त तो उनका इलेक्शन भी नहीं हुआ था। मैं समझता हूँ कि इल्ज़ामात लगाने में हम इतना, फिर मैं कह रहा हूँ कि बात पीछे आ गई। बड़े मुश्किल से हमने कराची में अमन कायम किया था, बहुत कोशिशों के बाद अमन कायम हुआ था, मगर मुझे बहुत अभी कराची को छोड़ दे, अभी न्याल साहब अभी कराची को छोड़ दे, मैं डार साहब पे, डार साहब से, असद साहब से भी जवाब ले लूं। असद साहब आपकी जमात की क्या पोजीशन है डार साहब के मामले? देखिए बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि शर्जील मेमन के केस में भी यही होना चाहिए था, लेकिन आप मुझे बताएं कि एक शख्स जो कानून का डिक्लेयर्ड मफरूर है वो कैसे असेंबली का मेंबर हो सकता है? अगर वो अपने आप को पेश नहीं कर रहा कानून के सामने और कानून से मफरूर है, चाहे वो सही केस है गलत केस है, ये तो हर एक की अपनी अपनी राय होती है ना। न्याल हाशमी साहब के जहन में शायद ना केस अच्छा हो, मेरे के ख्याल में शायद वो बहुत तगड़ा केस हो, लेकिन फैसला ना उन्होंने करना ना मैंने करना, अदालत ने फैसला किया, अदालत ने इश्तहारी डिक्लेयर कर दिया, वो कैसे मेंबर आप तय कर रहे हैं कोर्ट के फैसले? बिल्कुल ठीक फैसला किया, और उन्होंने मुअत्तल की है, उन्होंने खत्म नहीं किया। वो जब भी आके अपने आप को कानून के सामने पेश कर देंगे तो वो दोबारा बहाल हो जाए। असद उमर साहब, लतीफ खोसा साहब, निहाल हाशमी साहब, आज इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया आप सबका, खुदा हाफिज़।